दोस्तों मेरा नाम यश त्यागी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान हिंदी में। दोस्तों आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कहीं आपके घर में लाया जाने वाला दूध मिलावटी तो नहीं है, कहीं आप मिलावटी दूध तो नहीं पी रहे हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। मिलावटी दूध हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। दोस्तों इससे संबंधित आज का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको 8 तरीके बताएंगे जिनसे आप मिलावटी दूध की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आप कैसे चेक करें कि आपका दूध प्योर है या मिलावटी है, तो वीडियो को स्किप ना करें, ठीक से समझें। चलिए वीडियो शुरू। अब तक आपने दूध में केवल पानी की मिलावट के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दूध को सफेद और गाढ़ा बनाने के लिए आजकल साबुन, डिटर्जेंट और बेहद हानिकारक केमिकल्स का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिलावटी दूध और असली दूध में फर्क समझना आपके लिए बेहद मुश्किल है, और इस तरह से बनाया जाने वाला नकली दूध आपकी सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको नकली दूध को पहचानना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मिलावटी दूध को आखिर कैसे पहचाना जाए। आपके सवाल का जवाब छिपाए हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जो आपको मिलावटी दूध को पहचानने में आपकी मदद करेंगे। नंबर एक, सबसे पहले दूध में पानी की मिलावट को परखने के लिए किसी लकड़ी या पत्थर पर दूध की एक या दो बूंद गिराएं। नंबर दो, दूध में डिटर्जेंट की मिलावट को पहचानने के लिए दूध की कुछ मात्रा को एक कांच के शीशी में लेकर जोर से हिलाएं। अगर दूध में झाग निकलने लगे तो इस दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है। अगर यह झाग देर तक बना रहे तो झाग तो दूध के नकली होने में संशय नहीं है। नंबर तीन, दूध को सूंघ कर देखें। अगर दूध नकली है तो इसमें साबुन की तरह गंध आएगी, और अगर दूध असली है तो इसमें इस तरह की गंध नहीं आती। नंबर चार, दूध को दोनों हाथों में लेकर रगड़ कर देखिए। अगर दूध असली है तो सामान्य तौर पर चिकनाहट महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर दूध नकली है तो इसे रगड़ने पर बिल्कुल वैसी ही चिकनाहट महसूस होगी जैसे कि डिटर्जेंट को रगड़ने पर होती है। नंबर पाँच, दूध को देर तक रखने पर असली दूध अपना रंग नहीं बदलता है, जबकि दूध अगर नकली है तो कुछ समय बाद पीला पड़ने लगता है। नंबर छह, असली दूध को उबालने पर उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन नकली दूध का रंग उबलने पर पीला हो जाएगा। नंबर सात, सिंथेटिक दूध में अगर यूरिया मिला हुआ है तो यह गाढ़े पीले रंग का हो जाता है। नंबर आठ, स्वाद के मामले में असली दूध हल्का सा मीठा स्वाद लिए हुए होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका शीघ्र जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या आपके पेट में भी तौंद निकली हुई है? अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। हम आपको आज एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और उसकी मदद से आप बेहद ही आसानी के साथ अपना वजन कम कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं नेचर श्योर अग्निमंथा वेट लूज कैप्सूल के बारे में, जिसको मैन और वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अग्निमंथा वेट लूज कैप्सूल के बारे में कम्प्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो हमने आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को फॉलो करके वीडियो को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें।